बन गई, उसको अभी तक कोई बनाने वाला नहीं है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। वही से सड़क सड़क जो है विभाग की ओर से किया गया है। आने वाले जो भी समस्याएं हम कहने के लिए इस गांव के हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हमारी बहनें दोस्तों तो जी ऐसा घर कोई है तो आप बताएं। इसको पेंशन देने की व्यवस्था सरकार ने की, नए स्कूल खुले हैं, बच्चियों की पढ़ाई के लिए खर्च सरकार उठा रही है, नौजवानों को रोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है कल्याण विभाग से। और शहजादा साहब, सलीम साहब, मंजू भाई और मुखिया जी पंचायत समिति सदस्यगण, मन पर बैठे ये सूरी गांव हेलो हमारे मिलता पार्लियामेंटन गांव, और यहां के लोगों को मुझसे बड़ी खुशियत थी। और मैं जब भी घर से गुजरता था तो ये गांव में मैं जरूर आता था। वो अमीन वगैरह सब थे इस गांव में, पुराने लोग अमीन से प्रकार गए। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं यहाँ पर मौजूद हैं। एक सही फैसला आप 5 तारीख को आप ले, पिछले बार आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा दिया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ? पिछले बार आप लोगों ने गड़बड़ाया था, लेकिन इस बार गड़बड़ाइएगा नहीं। इसको याद रखिए, एक फैसला तो आपके भविष्य का फैसला हो, सही फैसला हो। और चुनाव के इस मैदान में ऐसे लोग भी खड़े हुए हैं जो कोशिश करते हैं कि आपका वोट अलग हो जाए और जिसका लाभ न जीतने वाले को मिल जाए, याद रखिएगा। इसलिए बहकिएगा नहीं, आप वैसे लोगों को वोट मत दीजिएगा जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और आसू को हो जाए। इसलिए एक मुश्त होकर के सब लोग एक साथ लबैक करके मिल करके जगन्नाथ बाबू जो आज हमारे बीच नहीं है, बहुत मेहनत किया है उन्होंने, और क्या कोई कर सकता है। डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रोड, बिजली, पानी, स्कूल, मास्टर, इसलिए सच्ची राजा बताऊँ आपको 5 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आप लेने जा रहे हैं, न केवल अपने भविष्य का बल्कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान क्या रुख करेगा, हिंदुस्तान किस ओर जाएगा। इसमें सारे क्षेत्र पार्टियां एक साथ बैठी है और एक एनडीए गठबंधन है जिसका नेतृत्व बीजेपी आपू वगैरह वगैरह कर रही है। तो आपको फैसला करना है कि आपको किधर जाना है।